नमस्कार, जय हिंद, जय हो शिवशंकर। आप देख रहे हैं पब्लिक टुडे न्यूज। हर एक भगत इस वीडियो को लाइक करेगा और पब्लिक टुडे की ब्रेकिंग न्यूज को नीचे दी रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ब्रेकिंग न्यूज बड़ी खबर सबसे पहले मिल पाए। चलिए बात करते हैं हरिद्वार कावड़ यात्रा के बारे में। आपको बता दें कि हरिद्वार कावड़ यात्रा के दौरान आज जो है 50 लाख से ज्यादा लोग हरिद्वार के अंदर पहुंचे हुए हैं। लगभग 2 करोड़ से ज्यादा लोग कावड़ उठाने वाले हैं। हर कावड़ियों की जो मन के अंदर इच्छा होती है, लगभग 50% कावड़ी है अपनी मन के अंदर इच्छा लेके आते हैं अपनी मनोकामना पूरा करने के लिए, जो कावड़ जैसे कठिन कार्य को करते हैं। काफी लोगों की इच्छा होती है कि उनकी शादी हो जाए, काफी लोगों की इच्छा होती है कि उनको एक अच्छा लड़का प्राप्त हो जाए, काफी लोगों की इच्छा होती है कि उनको एक अच्छा वर प्राप्त हो जाए। आपको बता दें कि आपकी इच्छा प्राप्त करने से पहले, कावड़ उठाने से पहले, गंगा के अंदर आपको जो है डुबकी लगाने से पहले, आप ये काम कर रहे हैं तो आप ये काम करने से पहले एक मंत्र आपको बताने वाला हूँ। उस मंत्र का उच्चारण कर लीजिएगा, आपकी मन की इच्छा 100% पूरी हो जाएगी। उस मंत्र को बताने से पहले आप सभी से गुजारिश करूंगा कि स्टूडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको जो है मंत्र का उच्चारण पूरा हम बता चुके हैं। आपको बता देंगे आपको जिस मंत्र का उच्चारण करना है वो है ओम नमो शिवाय। के साथ साथ आपको जो एक मंत्र और साथ में उच्चारण करना है, ओम नमो शिवाय, ओम नमो विष्णुवाय, ओम नमो गणेशाय, ओम नमो कार्तिकाय, यानी चारों भगवान है इनके नाम साथ में लेने हैं। साथ में ये मंत्र उच्चारण करने के बाद आपको साथ में अपनी इच्छा भी मांगनी है कि भगवान हमारी इच्छा पूरी कर दीजिए, हमारी ये इच्छा है, इनको भगवान जल्द से जल्द पूरी कीजिए। ये इच्छा आपकी जो है जल्द से जल्द पूरी होगी, भगवान शिव आपकी इच्छा बहुत जल्द 2 महीने के अंदर पूरी करेंगे। इन चारों भगवानों का नाम का उच्चारण जो है नीलकंठ में कावड़ उठाने से पहले, या अगर आप कावड़ नहीं ले रहे हैं गंगा में डुबकी लगाने से पहले, इन चीजों का उच्चारण जरूर कीजिएगा। मैं इस बात आपसे गुजारिश करता हूँ कि अगर आप लाइक करना भूल गए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट खबर ब्रेकिंग न्यूज से पहले मिल पाए।